बॉबी दी का बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ बॉबी दी, बस बॉबी दी का ऐसे ही हम लोग आते रहे और दीदी बॉबी दीदी का प्यार पाते रहे और बॉबी दी को लंबी उम्र दे और बॉबी दी उसका पिक्चर का काम ये अच्छा ये होए आप क्या शुभकामनाएं देंगे? आप तो बॉबी जी के साथ काम करते हो उनकी तो आज उनका बर्थडे है, क्या शुभकामनाएं देंगे आज आपको? हम लोग तो बहुत खुश नसीब हैं कि आज इस इवेंट के लिए हम सब लोग आए हैं। उनको लंबी उम्र के लिए हम कामना करते हैं और चाहते हैं कि इस ग्लैमर वर्ल्ड में उनका अच्छा नाम हो और अच्छी तरक्की करें। बोलो तो शर्मा रही है। चलो दीदी आप बोलो। बॉबी मैम का उम्र काफी लंबा हो, देन उनका मूवी सक्सेस हो और बॉबी मैम आगे जाए तो हम लोग भी खुश रहे, इनके साथ आते रहे और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आप क्या देंगे शुभकामनाएं बॉबी के लिए? आज बॉबी जी का बर्थडे है, हम लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बॉबी जी सुना लॉन्च कर रहे हैं आप। हाँ वो उसके लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल। शुभकामनाएं देंगे आज आप बॉबी जी का बर्थडे है। बॉबी जी को मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ, विश यू मेनी मेनी हैप्पी टर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। एंड यस मैंने बॉबी जी को ज़्यादा नहीं बट जितना भी मैंने जाना है, बहुत इन्होंने मेहनत की है अपनी इंडस्ट्री में, जैसे हर इंसान करता है। इस बार आज ये जो जन्मदिन आज ये मना रहे हैं और हमें सबको इन्होंने इनवाइट किया है, मैं ये शुभकामना देता हूँ कि हमारे माध्यम से जितने भी इनके बहुत फैन फॉलोअर्स हैं और शायद कई लोग ऐसे होंगे जो मिस भी कर रहे होंगे इनको बॉबी जी का बर्थडे, मैं यही दुआ करूँगा कि सब लोग जो भी इनको देख रहे हैं या जिन्होंने आज मिस किया बर्थडे, ढेर सारी शुभकामनाएं इनको दें ताकि ये इतना बड़े इतना अपना नाम कमाएं, जो इनको कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि मैंने ये चीज़ कुछ खोया है। इनफैक्ट आज इन्होंने मेरी और मेरे जितने भी मेरे साथ में मेरे मॉडल्स, खूबसूरत मॉडल्स आए हैं, मैं सब लोगों ने मिल के इनको बेस्ट विशेस दिए हैं। एंड आई प्रे टू गॉड जो भी अपने ज़िंदगी में सोच रहे हैं कि मुझे ये अगर करना है तो यस डेफिनेटली इनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी और हमारी बहुत सारा प्यार, हमारी बहुत सारी विशेज इनके साथ में है। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं देंगे आज बॉबी जी का बर्थडे है तो इस बर्थडे पे क्या विशेष विश रहेगी? हाँ पहली बार की मतलब कि मैम ने जब बताया कि ये बर्थडे में आना है तो मैंने मतलब सोचा कि शायद कि फिर मैंने उससे पूछा कि मैम आखिर मैं आ रहा हूँ तो बर्थडे मतलब किसका, तो मैम ने कहा अरे मेरा ही बर्थडे है, तो फिर मैं नहीं तो अगर पता होता तो कल ही हैप्पी बर्थडे बोलता, फिर बोल रहा हूँ हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू और सो मच। यहाँ तो अच्छे बहुत ही अच्छा से लग रहा है, ठीक है, और आप आगे बढ़ते रहिए। और आप मैं क्या मतलब बोलूँ आपको आगे बढ़ने के लिए, आपने मुझे बहुत मतलब नहीं नहीं वो ऐसी किया कोई बात नहीं। तो हैप्पी बर्थडे। और अक्षय जी अभी इनकी फिल्म आने वाली है कोर्ट, और नशीद शाह के बेटे विवान, विवान ना तो उनको लॉन्च किया इन्होंने और अभी एक सेकंड बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट पे ही काम चल रहा है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मोबाइल बंद कर दो, साइलेंट। सबसे पहले मैं बॉबी मैम को बहुत सारे शुभकामना देना चाहता हूँ, आज उनका जन्मदिन है और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ खुद के ऊपर और बॉबी मैम के ऊपर, क्योंकि बॉबी मैम के साथ मैं बहुत टाइम से जुड़ा हूँ और उन्होंने बहुत सारा मुझे सपोर्ट किया, मुझे फैशन शो में बहुत अधूरा अचल में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मैं हमेशा चाहता हूँ कि बॉबी मैम की उम्र बहुत लंबी हो और उनको भगवान बहुत खुश रखे। और मैम विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आप जियो हजारों साल में। थैंक यू सो मच। मैं बॉबी जी के साथ इस तरीके से जुड़ा हूँ कि पहली बात हम लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और बींग ए कलाकार जो है हमें एक कलाकार की इज्जत करते हैं, हमारी फिल्म फेडरेटरी के जितने भी लोग हैं वो जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो उम्र तो लंबी है ही इनकी, और लंबी मैं आशा करता हूँ और ज़िंदगी में जो भी ये मुकाम चाहते हैं मैं उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देता हूँ और इनकी जितनी भी आने वाली मूवीज़ हैं वो ब्लॉकबस्टर रहे और अपने फैंस के लिए साथ ही हमेशा ऐसे ही रहें। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। कामनाएं रहेंगी बॉबी जी को। सबसे पहले मैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू बॉबी जी एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा।
और मेरी सारी शुभकामनाएं इनके साथ है कि इनकी आने वाली फिल्म एकदम ब्लॉकबस्टर है और सभी चाहने वाले उनकी अदाकारी और उनकी फिल्म की तारीफ करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपके शो बारे में बताइए। 12 तारीख में आपका 12 तारीख का मेरा अप्सरा इंडिया सीजन 6 आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा इन्विटेशन है, आप वहाँ पर आइए। हमारा शो में सारे बहुत सारी अप्सराएं जुड़ी हुई है और आपकी शुभकामनाएं उनके साथ रहेगी तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू। मैं बॉबी दीदी का बर्थडे में आई हूँ। मेरे को ऐसे इनको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा और ये बहुत मुझे विश देना चाहती है मुझे और हमेशा मेरे बर्थडे के बारे में हजारों साल जिए और साल के दिन हो कम। और हम लोग ऐसा शो करते रहे दीदी का साथ और ये मेरी फिल्म अधूरे आंचल में भी काम कर रही हैं ये और बहुत अच्छी एक्ट्रेस मॉडल है। आशा पूरा हो जाए बस। थैंक यू सो मच। इनका नाम है सोनम आचार्य। मैं बॉबी जी को दिल से विश करना चाहती हूँ कि तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। और इनको बधाई देने चाहती हूँ इनकी जो मूवी अभी अधूरे आंचल इन्होंने करी है और तो और ब्रीड। हाँ, ब्रीड तो बहुत जल्दी थिएटर्स में आप लोग देख सकते हैं तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। बॉबी जी को पार्ट दिवस की बहुत सारी बधाई है। थैंक यू सो मच। इसे और आपने मुझे एक पार्ट बना के रखा है आपके फिल्म का तो बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है और आपको बहुत सारी विशेष है पार्ट दिवस की। थैंक यू सो मच आदित्य जी। थैंक यू सो मच। बॉबी जी आज आपका बर्थडे था, इतने सारे लोग आपको विश करने आए आपके बर्थडे में, तो कितनी खुशी फील हो रही है, आपको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं बॉबी कुमार और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक टाइटल है, मदर इज़ गॉड। मैं हमेशा अपने से बड़े बुज़ुर्गों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। और मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स आए हैं वो एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि जो अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं और वो एक्टर भी हैं और साथ में मॉडल भी हैं और बहुत क्रिएटिविटी पर्सनैलिटी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ कम जुड़ें लेकिन अच्छे नेचर और अच्छी पॉजिटिविटी के साथ में ही जुड़े लोग, कि जिनको मान सम्मान का पता है, इज्जत का पता है। क्योंकि कई बार होता है कि मेरे जेंडर को लेकर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन पुट अप होते हैं लेकिन मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि सामने कुछ और होते हैं पीठ पीछे कुछ होते हैं। लेकिन मेरे इतने सारे जो फ्रेंड्स हैं, कम से कम मैं कहूँ कि 10 में से अगर मुझे 2 फ्रेंड मेरी रिस्पेक्ट करना जानते होंगे और मुझे होनेस्टी अपने साथ में दिल में बसाना चाहते होंगे तो मुझे 10 से बेटर उन 2 दोस्तों की इज्जत बहुत कबूल है और अच्छा लगता है उनके साथ में रहना मुझे। और मैं बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स अपना समय निकाल कर मेरे पास में आए हैं और बालाजी के कास्टिंग हेड शैलेश जी आए हैं और हमारे डायरेक्टर अक्षत जी, जीतू खुराना जी हैं, तनवीर जी हैं और जिया, सोनल, गौरी, बहुत सारे सभी लोग यहाँ पर आए तो मुझे बहुत बहुत खुशी महसूस हुई। और मेरे जितने भी फैंस हैं और जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं जिन जो मेरे रिलेशन में हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा अपने परिवार से जुड़े रहें और परिवार से हम मतलब परिवार का प्यार उनको ज़िंदगी में हमेशा बना रहे, बस एक उंगली किसी की ना छूटे। थैंक यू सो मच। फिल्म भी आने वाली है आपकी, वो कब तक रिलीज होगी? दर्शक एक्चुअली मेरे होम प्रोडक्शन एस बी इंटरटेनमेंट से 2 बड़ी मूवी आने वाली, एक तो ब्रीड है, आपको सबको भी पता होगा, वो कुछ चीज़ों के लिए अभी रुकी हुई है जो क्योंकि पता है कि फिल्म बनाना इतना आसान तो होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम जब देखते हैं तो कुछ ना कुछ कमी नज़र आती है। हम चाहते हैं उस चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियर करके लोगों के दर्शकों के सामने प्रेजेंट करूँ। और सेकंड मेरे जो अधूरे आंचल है वो एक शॉर्ट मूवी है लेकिन बहुत अच्छी और बड़े लेवल पर फिल्म आ रही है और वो रानू मंडल जो एक बहुत बड़ा लोगों के लिए मैसेज बन गई है, एक मोटिवेशन बन गई है, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन गई है, तो उसको उठाकर हम लोग अधूरे आंचल का निर्माण कर रहे हैं और फिल्म लगभग 85% कंप्लीट हो चुकी है और कुछ ही शूट इसका बाकी है और जल्दी ही ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में चली जाएगी। थैंक यू सो मच।